नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मुकेश अग्निहोत्री। आज हम यहाँ एक कोशी इंटीग्रल बेस पर बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है इस पर बेस्ड। तो देखो, हमारे पास जैसे जो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, एफ एन ऑफ जेड नॉट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट पावर में एन प्लस वन डी जेड। ठीक है, ये आपका कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला है जहाँ पे C क्या एक सर्किल है। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इंटीग्रेशन C F ऑफ जेड जेड माइनस जेड नॉट रेज टू पावर n प्लस वन डी जेड इज इक्वल्स टू टू पाई आयोटा फैक्टोरियल n, और यहाँ आ जाएगा एफ एन ऑफ जेड नॉट। ठीक है, अब हमारे पास देखो, जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया होगा वो कुछ इस फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, और कहा जाएगा कि इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमें क्या करना होगा, इस जो भी आपको एग्ज़ाम में इंटीग्रल दिया हुआ है आपका, उस इंटीग्रल को हम क्या करेंगे, इसके कंपेयर करेंगे और यहाँ से एन जेड नॉट एफ ऑफ जेड निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे और हमारे पास क्या मिल जाएगा, उसका एक आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं अपन। बहुत सिंपल तरीका है, जैसे सपोज करो मैंने ले लिया एक क्वेश्चन, में ले लेता हूँ उस पर बेस्ड, और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन सी ई रेस टू पावर टू जेड अपॉन जेड प्लस वन पावर में फोर डी जेड, साथ में आपको दिया हुआ है मॉड जेड इज इक्वल्स टू थ्री जी, क्या है सर्किल दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ को सबसे पहले समझना है कि सर्किल का मीन क्या होता है, जिस क्या काम आता है। जैसे सपोज करो कि ये मैं अगर एक सर्किल बनाऊँ जिसका रेडियस कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है, और सेंटर क्या है, जीरो जीरो है। अगर यहाँ पे आपके पास जो जेड नॉट है, जेड नॉट ये रहा, या इसका जेड नॉट कितना है, माइनस वन है। तो अगर यहाँ से हम कंपेयर करते हैं इन दोनों को, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो जेड नॉट की वैल्यू है वो माइनस वन है, आपका जो एफ ऑफ जेड है वो किसके बराबर है, ई रेज टू पावर टू जेड के बराबर है, और जो एन है वो किसके इक्वल है, थ्री के इक्वल है। अब हमें ये देखना है जो जेड नॉट है, अगर ये जेड नॉट इस सर्किल के अंदर आ रहा है तब तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है वो इसके इक्वल होती है, और यदि ये जेड नॉट इस सर्किल से बाहर आता, सपोज करो यहाँ पे प्लस वन की जगह क्या होता, प्लस फोर होता, तो फोर कहाँ वेरी करता, फोर इससे सर्किल से बाहर होता, तो उस केस में इस इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्ट क्या करते हैं, हम जीरो के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जेड नॉट है वो सर्किल के अंदर ही है, आपने इनको कंपेयर कर लिया दोनों को, तो ये पूरा इंटीग्रेशन इसके बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ जो इंटीग्रेशन है मेरे पास C e रेज टू पावर टू जेड अपॉन जेड प्लस वन रेज टू पावर फोर डी जेड, ये किसके इक्वल हो जाएगा, टू पाई आयोटा अपॉन एन कितना है, थ्री, तो फैक्टोरियल थ्री एफ डबल या ट्रिपल डैश और जेड नॉट कितना है, माइनस वन। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस एफ ऑफ जेड का करेंगे तीन बार डिफरेंशिएशन, और फिर जहाँ भी जेड आ रहा है वहाँ क्या देंगे अपन, माइनस वन। तो देखो जरा, मेरे को जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या किया, इस एफ ऑफ जेड का जब किया तीन बार डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा, एक बार करोगे आप इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ जेड ई रेज टू पावर टू जेड, और क्या आएगा, टू आगे आ जाएगा। इसका हम दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा, आपने दोबारा किया तो ये हो जाएगा फोर हो जाएगा ई रेज टू पावर टू जेड, और फिर एक बार और कर देंगे अगर हम तीन बार, तो कितना हो जाएगा ये आपका एट ई रेज टू पावर टू जेड। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपने क्या किया, इस ट्रिपल डैश में जेड ये कर दिया, माइनस का वन रख दिया, तो कितना हो गया एट ई रेज टू पावर माइनस का टू। अब इस वैल्यू को हमें यहाँ रख देना है,
तो मेरे पास जो इंटीग्रल है, ये जो आपको दिया हुआ इंटीग्रल है सी ई रेस टू पावर टू जेड जेड प्लस वन की पावर फोर डी जेड इज इक्वल्स टू टू पाई आयोटा फैक्टोरियल थ्री और यहाँ जाएगा एट ई रेस टू पावर माइनस टू। इसे कट कर लें आप तो इसे कट करेंगे तो एट से टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिक्सटीन हो जाएगा, ई माइनस टू है ही, यहाँ पे आपका पाई आयोटा आ गया अपॉन में सिक्स आ गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये आप देख लो सकते हो उसको, आप कट जाएगा ये एट पाई आयोटा अपॉन थ्री ई स्क्वायर, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी भी है। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो एक क्वेश्चन भी लेते हैं, 2015 में आया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। मोड जेड इज इक्वल्स टू टू, अंदर दिया हुआ है आपको नाइन जेड स्क्वायर माइनस आयोटा जेड प्लस फोर अपॉन जेड वन प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या करना है इसे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला से प्रूव करना है। अब देखो कितना इजी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था, क्योंकि हम जानते हैं कॉशी इंटीग्रल जो फॉर्मूला होता है, हमने अभी कंपेयर जब किया था तो हमने निकाला था एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू पावर एन प्लस वन डी जेड इक्वल्स टू टू पाई आयोटा अपॉन फैक्टोरियल एन और यहाँ पे था एफ एन ऑफ जेड नॉट, ये हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ तो जेड और वन प्लस जेड स्क्वायर दिया हुआ है, जबकि यहाँ तो कोई फैक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम फैक्टर करेंगे। क्लियर है? तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले हम ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास जो दिया हुआ है वन अपॉन जेड और वन प्लस जेड स्क्वायर है, इसको अगर मैं तोड़ना चाहूँ फैक्टर की फॉर्म में तो एक जेड आएगा एक वन प्लस, अच्छा यहाँ पर आपका वन प्लस जेड है, फैक्टर करो कितना आएगा आयोटा प्लस जेड हो जाएगा और एक हो जाएगा मेरे पास कौन सा जेड माइनस आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना आएगा जेड स्क्वायर आएगा और प्लस का वन आएगा। क्लियर है? तो ये हमारी फॉर्म हो गई, फैक्टर बन गए। अब इसको हम अलग अलग करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन जेड प्लस पी अपॉन जेड प्लस आयोटा प्लस सी अपॉन जेड माइनस आयोटा। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे ए बी सी की निकालनी है वैल्यू, तो यहाँ तो आपका वन अपॉन में जेड और वन प्लस जेड स्क्वायर ही है, तो पार्शियल फ्रैक्शन हमने पढ़ा हुआ है पार्ट उसे हम सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये वन इज इक्वल्स टू ए आएगा, यहाँ पे जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा, यहाँ बी लिखेंगे अपन, यहाँ जेड होगा और जेड माइनस का आयोटा, प्लस सी लिखेंगे, यहाँ पे जेड प्लस आयोटा आएगा और एक जेड आएगा। मुझे करना क्या है यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो देखो आप जरा हमने क्या किया, सबसे पहले जेड को रखा ज़ीरो, जैसे ज़ीरो करूँगा सी ज़ीरो हो जाएगा बी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ रखा ज़ीरो यहाँ रखा ज़ीरो, तो आयोटा और माइनस आयोटा का स्क्वायर करूँगा तो प्लस का वन, तो ए कितना हो गया मेरे पास वैल्यू अभी वन। अब मैंने क्या किया जहाँ पे जेड को रखा माइनस का आयोटा, जैसे मैं जेड की वैल्यू माइनस आयोटा रखूँगा तो इक्वल में तो वन दिया हुआ ही तो यहाँ तो वन ही रहेगा, इक्वल में क्या आएगा, जैसे आप रखोगे माइनस आयोटा तो ये ए पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ रखूँगा माइनस आयोटा तो सी जीरो हो जाएगा और जेड भी रखूँगा माइनस आयोटा तो मेरे पास कितना आएगा बी, यहाँ आएगा माइनस आयोटा और यहाँ माइनस का टू आयोटा। क्लियर है? तो आयोटा आयोटा कितना हो गया, सॉरी माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस का, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस वन, तो जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का वन बाय टू। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, सी निकालना है, तो सी निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पर अगेन हम पुट करेंगे जेड इक्वल्स टू आयोटा, रखो आयोटा ए जीरो हो जाएगा, यहाँ रखा बी जीरो हो गया,
ये रखूँगा आयोटा और यहाँ पे आयोटा, तो आयोटा प्लस आयोटा टू आयोटा, और टू आयोटा को आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का टू। तो यहाँ से सी की वैल्यू जाएगी वन अपॉन टू, तो सी आ गया मेरे पास माइनस का वन अपॉन टू। ठीक है, तो देखो इस तरह से मेरे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई हैं। अब इन वैल्यूज़ को मुझे क्या करना है, पुट करना है कहाँ पर, यहाँ पर, और ये कहाँ रखूँगा मैं, इसको रखूँगा मैं किसकी जगह पर, क्योंकि मुझे इंटीग्रल निकालना है इसका, तो इसकी जगह पर। तो देखो क्या बन जाएगा, समझते हैं इसको अपन, इनको करते हैं। तो आगे देखो आप इसके अंदर, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले आपने रखा यहाँ पर इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या दिया हुआ था, मॉड जेड इज इक्वल्स टू टू, ऊपर आपको दिया हुआ है नाइन जेड स्क्वायर माइनस आयोटा जेड प्लस फोर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, नीचे की तरफ हमने उसको ब्रेक कर लिया था, ए की वैल्यू वन आई थी तो वन अपॉन जेड, बी आपका कितना आया था माइनस का वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू अपॉन कितना आएगा जेड प्लस आयोटा, और सी कितना आया था वो सेम माइनस वन बाई टू अपॉन जेड माइनस आयोटा और डी जेड। ठीक है, अब आप एक काम करें, इस पूरे इंटीग्रल को अलग अलग कर लेते हैं। तो देखो आप उसको अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन मॉड जेड इज इक्वल्स टू टू, सबसे पहले नाइन जेड स्क्वायर माइनस आयोटा जेड प्लस फोर अपॉन में कितना आएगा जेड। ठीक है, एक पहला इंटीग्रल हमारा ये बन गया। जब दूसरा बनाएंगे इंटीग्रल तो अगेन मॉड जेड इज इक्वल्स टू टू लिखेंगे, ऊपर सेम आएगा नाइन जेड स्क्वायर माइनस का आयोटा जेड प्लस फोर और अपॉन में कितना जाएगा, अच्छा यहाँ पे माइनस वन बाई टू कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेना आप, तो आप इसे बाहर निकाल लेंगे और यहाँ जाएगा जेड प्लस आयोटा, है ना, और ये माइनस का वन बाई टू क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट वाला करेंगे अपन इसके साथ में, तो अगेन ये पूरा पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा और बाहर निकल जाएगा, तो मेरे पास जो थर्ड आएगा वो क्या बन जाएगा फॉर्म, उसे भी लिखता हूँ एक बार, चलिए थर्ड फॉर्म बनेगी अपनी, वो यहाँ पे क्या बन जाएगी, वो हो जाएगा मेरे पास प्लस साइन की जगह माइनस लगा देता हूँ, क्योंकि आपका जो सी की वैल्यू थी कितनी थी माइनस वन बाई टू थी, तो आपने लगा दिया माइनस वन बाई टू, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन मॉड जेड इज इक्वल्स टू टू है, यहाँ पे आपका नाइन जेड स्क्वायर माइनस आयोटा जेड प्लस फोर और अपॉन में कितना आ गया जेड माइनस आयोटा और डी जेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को जो आपका जो इंटीग्रल दिया हुआ था कौन सा वाला, इंटीग्रेशन मॉड जेड इज इक्वल्स टू टू नाइन जेड स्क्वायर माइनस आयोटा जेड प्लस फोर अपॉन जेड और जेड स्क्वायर प्लस वन डी जेड, इसको हमने तीन पार्ट में कर लिया, कौन कौन सा, एक को नाम देते हैं अपन आई वन, प्लस करके दूसरे को आई टू और प्लस करके तीसरे को आई थ्री। अब मुझे इस आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आई वन क्या था मेरे पास, देखो ध्यान समझना, अगर हम बात करते हैं आई वन की, तो आई वन हमारे पास इंटीग्रेशन था मॉड जेड इज इक्वल्स टू टू नाइन जेड स्क्वायर माइनस का आयोटा जेड प्लस का फोर अपॉन कितना था अपॉन में जेड, अभी जेड को आप जेड माइनस जीरो लिख सकते हैं, बात एक ही है डी जेड। अब देखो ये जो इंटीग्रल हो गया, यहाँ पे जीरो आ रहा जेड नॉट और ये इस सर्किल के अंदर आएगा, तो इसे हम कंपेयर करना चाहें तो ये पूरा पूरा इंटीग्रल किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एफ ऑफ जेड है वो क्या दिया हुआ है नाइन जेड स्क्वायर माइनस आयोटा जेड प्लस फोर दिया हुआ है, जेड नॉट कितना है इसके अंदर जीरो है और एन कितना है एन भी जीरो है, तो ये जो इंटीग्रल है पूरा पूरा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इंटीग्रल हमारे पास जो इक्वल हो जाएगा वो क्या बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला था हम उससे कंपेयर करेंगे ना, तो क्या बन जाएगा टू पाई आयोटा एन जीरो है तो फैक्टोरियल जीरो, और यहाँ पे एक बार भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा तो एफ ऑफ और जेड यहाँ पे जेड नॉट भी कितना है जीरो है, क्लियर है, इस इंटीग्रल की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी।
आपने क्या किया, जेड को जीरो कर दिया। जैसे यहाँ जीरो करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, तो कितना आएगा, सिर्फ फोर आएगा। तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2πiota.4 अपॉन ऑफेक्टिव जीरो कितना होता है, 1। तो मेरे पास ये कितना हो गया, 8πiota। ये पहला इंटीग्रल आई वन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो हम इसी तरह से निकालेंगे आई टू। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक बार कर लोगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो आई टू जो हमने माना था वो क्या माना था हमने, ये माना था हमने माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 9z² माइनस आयोटा जेड प्लस 4 अपॉन जेड प्लस आयोटा डी जेड। ये हमारे पास आई टू था, कंपेयर करो जरा यहाँ भी आप। अब देखो यहाँ पे आप अगर आप कंपेयर करोगे तो एफ ऑफ जेड तो सेम ही है जो पहले था, 9z² माइनस आयोटा जेड प्लस 4। यहाँ पे जो जेड नॉट है वो कितना आ रहा है, माइनस का आयोटा आ रहा है, एन कितना आ रहा है, अगेन जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा जो इंटीग्रल है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप देखो इसको आप इक्वल्स को, अब ये माइनस का 1/2 तो बाहर रहेगा, ये तो कांस्टेंट था। अब जो अंदर जो इंटीग्रल आ रहा है ये पूरा इंटीग्रल किसके बराबर हो गया, क्योंकि मॉड जेड इज इक्वल्स टू कितना यहाँ पे 2 है। तो जी आपका जो आयोटा है माइनस आयोटा जेड नॉट जो आ रहा है ये भी सर्कल के अंदर ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि रेडियस 2 दे रखी है। तो इसकी जो वैल्यू जाएगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2πiota अपॉन फैक्टोरियल 0 हो जाएगी एफ ऑफ यहाँ पे आ जाएगा माइनस का आयोटा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस एफ ऑफ आयोटा की वैल्यू निकाल दें। तो देखो एफ ऑफ जेड आपको दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जेड की जगह रख देंगे माइनस आयोटा, तो क्या आएगा आपके पास 9iota² माइनस आयोटा, यहाँ पे आपका माइनस आयोटा है क्योंकि यहाँ जेड तो दिया हुआ है आपका, माइनस आयोटा दिया हुआ है, फिर प्लस का 4। सॉल्व करो आप कितना हो गया बताओ, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस 1, और यहाँ ऑलरेडी तो यहाँ जाएगा कितना आपके पास, माइनस का 9 बन जाएगा जी, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस 1, तो कितना आएगा, अगेन माइनस 1 आएगा, प्लस का 4। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पे आ गई माइनस 10 में से 4 गया तो माइनस का 6। तो मेरे पास इस एफ ऑफ आयोटा जो माइनस आयोटा है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसे मैं यहाँ रख दूंगा, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1/2 है, आपका आंसर दिया हुआ है 2πiota फैक्टोरियल 0 जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रहेगा आगे, इसके रहोगे माइनस 6, तो ये हो गया आपके पास माइनस 6। सॉल्व करेंगे इसको अपन यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया आएगा, वैल्यू कितनी जाएगी इसकी यहाँ पर, 6πiota, क्लियर है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, आई टू की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम अब आई थ्री निकालते हैं। चलिए देखो जरा, हमने आई थ्री लिया, आई थ्री में क्या दिया हुआ है, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन मॉड जेड इज इक्वल टू 9z² माइनस आयोटा जेड प्लस 4, और बाहर कितना है, डी जेड है, और अपॉन में क्या था हमारे पास, ये था आपके पास जेड माइनस आयोटा। अब ये अपन आप देखो यहाँ भी आप देखोगे अगर, तो एक बार इसे कंपेयर करते हैं, तो एफ ऑफ जेड यहाँ किसके इक्वल दिया हुआ है, 9z² माइनस आयोटा जेड और प्लस 4 के। यहाँ पे आपके पास जो जेड नॉट है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इस बार आयोटा आ रही है, और एन कितना है, अगेन जीरो है, ठीक है। अब इसको आप यहाँ लिखोगे तो देखो माइनस का जो 1/2 है ये तो बाहर रहेगा ही, अंदर कितना आएगा हमारे पास, 2πiota, एन कितना है, जीरो, तो फैक्टोरियल जीरो, और यहाँ पे कितनी वैल्यू लिखी है, एफ ऑफ आपका जेड नॉट कितना है, आयोटा, तो यहाँ आ जाएगा आयोटा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस आयोटा को कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, तो रखो जरा आप यहाँ पे, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो ये आपका जैसे आपने आयोटा रखा है यहाँ पे, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस 1, माइनस का 9, यहाँ रखोगे आयोटा, तो आयोटा आयोटा स्क्वायर कितना, माइनस का, ये प्लस बन जाएगा, प्लस का 1, प्लस 4, वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4 आ गई, ठीक है। तो इसको कहाँ रख देना है आपको, यहाँ पे रख देना है, तो माइनस 1/2 तो बाहर रही आपके पास, यहाँ रहोगे आप माइनस 2πiota हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी यहाँ रहोगे आप वैल्यू में, माइनस का 4,
तो ये टू से टू कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई आयोटा। क्लियर है? अब हमारे पास जो इंटीग्रल था वो किसके बराबर हो जाएगा, वो इंटीग्रल बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की जो वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी आई थी, वो आई थी 8 पाई आयोटा। I2 हमारे पास कितना आया था, 6 पाई आयोटा। और I3 हमारे पास कितना आया, यह हमारे पास आया 4 पाई आयोटा। तीनों को ऐड कर दोगे तो ये हो गया हमारे पास 18 पाई आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, उस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इसे आप करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।